हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज वन शॉट रिवीजन करेंगे क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज का पार्ट नंबर ए यानी कि कंट्रोलिंग चैप्टर चैप्टर नंबर एट जीरो टूवेंड इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट वन शॉट के अंदर क्लास आसानी से इसको आराम से आज ही आज अच्छे से रिविजन कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि जब हम केस स्टडीज बनाए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए स्पेशली इन दिस चैप्टर तो स्टार्ट करते हैं क्लास कंट्रोलिंग इन वन शॉर्ट ऑफिशियल सिलेबस जो है कंट्रोलिंग का वो है कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है फीचर है इंपॉर्टेंस है इसके अलावा क्लास कंट्रोलिंग में आपको रिलेशनशिप मिल जाता है प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच और कंट्रोलिंग के स्टेप्स इतना ही आपको पढ़ना है कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन बिल्कुल नहीं है आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था पांच फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग नहीं ध्यान समझना क्योंकि ये कई बार पेपर में क्लास आपको देखने को मिल सकता है चाहे स्कूल का हो चाहे क्लास प्री बोर्ड हो बोर्ड हो उसमें ये कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन है क्या नहीं कंट्रोलिंग जो है आपने कभी मैनेजमेंट बैने, के फंक्शन देखोगे ना ऐसे आता है तो कंट्रोलिंग यहां पे है प्लानिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे स्टाफिंग यहाँ पे डायरेक्टिंग यहाँ पे कंट्रोलिंग यहाँ पे तो कंट्रोलिंग क्या करता है क्लास एक ऐसा फंक्शन है जो ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट फंक्शन दोबारा क्लास फिर से प्लानिंग से शुरू हो जाता है फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो ये क्लास रोटेशन दोबारा सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है कंट्रोलिंग खत्म नहीं है कंट्रोलिंग के बाद फिर एक नया प्लान बनेगा फिर उसे अचीव करेंगे फिर कंपेयर करेंगे कंट्रोलिंग इस तरीके से कंट्रोलिंग क्लास एक तरीके से आखिरी फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है ध्यान रखना आगे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आपको कंट्रोलिंग का मतलब क्या है सुनो आपने प्लान किया था 500 टीवी बनाने का मान लो आपने प्लान किया था टेलीविजन बनाने का 500 टेलीविजन अब एक साल के अंदर अब साल गुजर चुका है अब आप देख रहे हो कि यार एक्चुअल में आपने प्लान तो किया था कि भाई 500 सौ बनाएंगे बट एक्चुअल में जो आउटपुट हुआ है वो कितना हुआ है अब आप इसको क्या करोगे कंपेयर करोगे प्लान से कि ठीक है यार आज तो हमने इतना बनाया हमने सोचा कितना था हमारा टारगेट कितना था स्टैंडर्ड कितना था कंपेयर करोगे इतने से कंट्रोलिंग खत्म नहीं होता कंट्रोलिंग का मतलब कंपेरिजन है किससे कंपेरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे प्लान परफॉर्मेंस से Plan performance इतने में खत्म नहीं होता इसके बाद आपको देखना है डेविएशन डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है क्यों ऐसा हुआ कि गोल अचीव नहीं हो पाया अगर डिफरेंस है तो उसकी रीजन को फाइंड आउट करेंगे फिर उसको ठीक करेंगे ताकि यही नियर फ्यूचर रिपीट ना हो मान लो आज आपने 400 यूनिट बनाया टीवी का तो सोचा तो 500 था तो 400 क्यों बना रू रूट कॉज क्या है इसका उसको फाइंड आउट करो और ठीक करो ताकि आगे वो रिपीट ना हो सिंपल सी बात है कंट्रोलिंग का मतलब है है एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करना देखना कोई डेविएशन या डिफरेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड कंटिन्यू करो इसी प्लान को अगर क्लास डेविएशन है तो उसको ठीक करो कि भाई रीजन क्या है उसका पता लगाओ उसको ठीक करो ताकि नियर फ्यूचर क्लास वो रिपीट ना हो ओके सो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग फंक्शन क्लास क्या करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा इफ देर इज एनी डेविएशन डेविएशन मतलब डिफरेंस देन फाइंडिंग द रीज क्लास द रीजन क्लास फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डेविएशन क्लास उसका हम लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे और टेकिंग करेक्टिव मेजर और उसको ठीक करेंगे रीजन फाइंड आउट करके भाई क्या रीज़न था क्या क्यों गलती हुई क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ और फिर क्लासेस को हम लोग ठीक करेंगे राइट नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग की दो एस्पेक्ट है पहला स्ट्रेटजिक कंट्रोल और दूसरा क्या है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग का मतलब समझ आ चुका है क्लास कंट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना फिर देखना कि कोई डिविशन है कि नहीं उसको ठीक करो ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो देखो यार कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप ट्रैक पर सही ट्रैक पर हो या नहीं हो अगर आप कंपेरिजन करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भैया कहाँ कमी है और कमी पता ही नहीं चलेगी तो ठीक कैसे करोगे बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा उसी तरीके से ठीक है अब कंट्रोलिंग में दो तरीके के क्लास एस्पेक्ट की हम बात करते हैं सबसे पहला एस्पेक्ट है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेसिकली इस चीज के लिए होता है कि जो आपने प्लान आउटपुट बनाया है वो सही बनाया नहीं बना एग्जाम्पल आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको 500 टीवी सेट बनाने हैं एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर ये कैसे डिसाइड किया आपने क्या सपना आया था क्या डिसाइड किया आपने क्या पता आपने 500 बहुत ज़्यादा ले लिया हो भैया तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है इतनी और तुम इतना टारगेट लेके बैठे हो इतने तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं है इतने तुम्हारे इस पास आ, मतलब कि संसाधन नहीं है रिसोर्स नहीं है कैसे लेके बैठे हो तुम तो ऐसा यानी कि आपने इस, बहुत ज़्यादा बना दिया तो, तो वो अचीव होगा ही नहीं हमेशा परेशान रहोगे एक एवरेज बच्चा आप चार का टारगेट लेके चल रहा है वो पढ़ नहीं रहा उस हिसाब से उसके कैपेबिलिटी नहीं है उसे घर के भी काम थोड़े बहुत करने पड़ते हैं समय नहीं है कैसे करेगा वो मैथ्स भी उसके पास है अकाउंट्स भी उसके पास है छः छः सब्जेक्ट हैं कैसे करेगा बीमार रहता है कुछ टाइम तक नहीं कर पाएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ओवरबर्डन रहेगा सोचता रहेगा मैं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा या नब्बे वाला बंदा है और टारगेट साठ का लेके चल रहा है वो तो हंसते खेलते अचीव हो जाएगा उसके लिए तो टारगेट ज़्यादा बनाना और टारगेट कम बनाना दोनों ही प्रॉब्लम है तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखता है कि भैया आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है आपने जो प्लान आउटपुट लिया है टारगेट जो बनाया क्या वो अचीवेबल है भी या नहीं इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज आर प्लान आर बिकॉज

इंटरनल चेक का मतलब क्या है आपको खुद अपने मैनेजर्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी चेक रखना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई मैनेजर्स के ऊपर कौन मैनेजर तो एम्प्लॉय पर नजर रख रहे हैं मैनेजर के ऊपर नजर कौन रखेगा तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्लास क्या होता है चेक करता है कि भाई मैनेजर और अदर एक्टिविटी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो भी केस स्टडी पढ़ोगे ना आप कैसे पहचानोगे कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडी है ये बात कैसे पहचानोगे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो देखो उसमें होगा क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी लाइक किसी कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो रहा है या किसी कंपनी को कंपनी कंटिन्यू घाटे में जा रही है है ना तो एक प्रॉब्लम हो गई फिर कोई ना कोई मैनेजर आएगा जो फाइंड आउट करेगा अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या है अच्छा घाटे में क्यों जा रही है

कंट्रोलिंग के फीचर्स की बात करें तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है एज लाइक मैनेजमेंट हम गोल को अचीव करने के लिए करते हैं कि यार हमारा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ हो गया तो वेल एंड गुड अगर नहीं हुआ तो क्या रीज़न है क्या कमियां हैं उसको पता करो उसको ठीक करो नेक्स्ट है कंटिन्यूअस क्लास मैंने आपसे कहा था कंट्रोलिंग क्लास लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग दोबारा प्लानिंग फंक्शन को एक्टिव में लेके आता है और ये हमेशा चलता रहता है कोई आखिरी फंक्शन नहीं है परवेसिव मतलब छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हो हर कंपनी हर कंपनी क्लास कंट्रोलिंग करती है मतलब अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखती है कोई डेविएशन है कि नहीं अगर कोई डेविएशन है तो ठीक करने का कारण ढूंढती है ताकि नियर फ्यूचर वो डेविएशन रिपीट ना हो नेक्स्ट है क्लास फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी अब ये बच्चों को हजम नहीं होता कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है क्योंकि कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं पीछे देख के कि अच्छा प्लान कहाँ किया था तो प्लान परफॉर्मेंस से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्लानिंग से देखते हैं अपना पास्ट में कि अच्छा हमने आउटपुट सोचा कितना था हमारा एक्चुअल कितना है तो बैकवर्ड लुकिंग तो है ही क्योंकि हम लोग पीछे देखते हैं प्लानिंग को अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन यहां पे एंड नहीं होता क्लास कंट्रोलिंग में वर्कर से फीडबैक लेने के बाद हम लोग आगे फिर प्लानिंग फंक्शन की तरफ चल जाते हैं तो कंट्रोलिंग क्लास फॉरवर्ड लुकिंग भी है हम ये देखते हैं कि जो गलतियां हुई है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो उसको हम देखते हैं और वर्कर से फीडबैक लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिपीट नहीं हो रहा हम उस चीज को चेक करते हैं राइट नेक्स्ट इंपोर्टेंस या बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस या बेनिफिट कंट्रोलिंग का फायदा क्या है अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है

उसको ठीक करते हैं ताकि फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट ना हो तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्लास हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे इजीली व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान जितनी भी एक्टिविटी क्लास हम लोग करते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं और प्लान को अचीव करने के लिए करते हैं तो ये हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड जो टारगेट आपने बनाया वो सही है या नहीं है जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाया वो करेक्ट है कि नहीं है थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अभी बताया था निकला स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट एक्यूरेट और नॉट एंड एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइज स्टैंडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम मैच दम विद द एनवायरमेंटल चेंजेस देखो सीधी सी बात है जो टारगेट आपने बनाया है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा एक साल दो साल बाद वो बदल सकता है सर्दियों का टारगेट अलग हो सकता है गर्मियों का टारगेट अलग हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर का टारगेट अलग हो सकता है तो आपका टारगेट भी आपकी डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे

जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर तरीके से यूज कैसे होता है आपकी गलतियों को फाइंड आउट किया जाता है उसको ठीक किया जाता जा है ताकि आप गलती ना करो इट मीन आपके रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक ईच एक्टिविटीज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड एज अ रिजल्ट देर इज मोस्ट एंड इफेक्टिव ऑफ रिसोर्स ये आपको कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिकॉज ये एक ऐसी चीजें जहां पे एम्प्लॉय एक्चुअल में साल भर क्या किया ये पता चल जाएगा वो सही डायरेक्शन में आया कि नहीं आया कहाँ गलती कर रहा है कैसे ठीक करना है ये सब कुछ कंट्रोलिंग से पता चलेगा तो मेकिंग एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे एम्प्लॉय की गलतियों को पकड़ोगे उसको ठीक करोगे उसको मोटिवेट करोगे तो क्लास ऑब्वियसली वो क्लास गलती नहीं करेगा और वो इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका भी परफॉर्मेंस जो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन uh, का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा उसका बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही बढ़ेगा भाई सीधी सी बात है अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा तो आपके स्कूल का परफॉर्मेंस भी अच्छा जाएगा इन कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉय कंटिन्यूसली चेक द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय ठीक है तो यानी कि uh, उनकी जो एक्टिविटीज है ना कंटिन्यूसली क्लासरूम में नजर रखा जाता है और जिसकी वजह से क्लास दे कैन अचीव द गोल इट लीड्स टू इम्प्रूव इन तो गोल को इजीली अचीव करते हैं इससे क्लास उनकी परफॉर्मेंस बढ़ता है इवन ये मोटिवेशन का भी काम करता है कंट्रोलिंग मोटिवेशन का काम कैसे करता है क्लास सिंपल सी बात है कंट्रोलिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाता है उनको ठीक किया जाता है ऐसा नहीं कि उनकी गलतियाँ पकड़ ली जाती है बस गलतियाँ गिनाई जाती हैं नहीं उसको ठीक किया जाता है तो वो मोटिवेट होते हैं कल को और अच्छे से काम करने के लिए चलो ठीक है यार हमारे ऊपर हमारे जो कहीं ना है, सीनियर हैं जो नजर रख रहे हैं हमारे ऊपर हमारी गलती होगी तो हमें सुधारेंगे गलती को तो और अच्छे से काम करते हैं वो तो एरर भी मिनि मिनिमाइज़ होता है क्लास आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव करता है उट फ्रॉम देअर प्रॉब्लम की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करता है प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली क्लास इससे क्या होगा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा वो मोटिवेट होगा तो इट हेल्प इन मोटिवेशन ऑल्सो कंट्रोलिंग एर क्योंकि आपकी गलतियों को पकड़ता है उसको ठीक करता है कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो एरर जो है क्लास ईयर आफ्टर ईयर कम होने लग जाते हैं स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ दिस एरर मे सॉरी अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ दिस एरर आर यहाँ पे क्लास रिपीटेड है स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ ठीक है यहाँ तक ये यहाँ से देखो बट इफ़ दीज एर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट विल बिकम अ सीरियस मैटर ड्यू टू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड चेक मैनेजर ट्राई टू डिटेक्ट दोज एरर ऑन टाइम एंड टेक स्टेप्स तो उस एरर को फाइंड आउट किया जाता है कि क्या एरर है क्या गलती है और उसको क्लास ठीक किया जाता है आगे चल के जिसकी वजह से क्लास नियर फ्यूचर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो कोई सवाल बना रहे हो मैं कंटिन्यूअसली आपके ऊपर चेक रखू देखूँ कि काम सही से कर रहे हो नहीं कर रहे अच्छा यहाँ मिस्टेक कर रहे हो यहाँ ठीक करो तो नियर फ्यूचर आपकी गलती के चांसेस जो हो जाएंगे क्लास वो कम हो जाएंगे तो कंट्रोलिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एरर तो अगर आप कंट्रोलिंग का मीनिंग जानते हो एक्जैक्टली exactly कंट्रोलिंग है क्या तो उसके इंपोर्टेंस आप आसानी से लिख सकते हो इंपोर्टेंस मतलब बेनिफिट की कंट्रोलिंग करने से फायदा क्या होगा दीज आर ऑल द बेनिफिट्स क्लास मोटिवेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो ऑप्टी मोटीलाइजन रिसोर्सेस वाला पॉइंट लिख सकते हो इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल वाला पॉइंट लिख सकते हो तीन चार पॉइंट आते हैं पेपर में बस ठीक है तो ये हो गया क्लास कंट्रोलिंग के सारे के सारे इंपोर्टेंट बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की हमने पूरे सिलेबस के अंदर जो प्रोसेस पढ़े वो पांच पढ़े प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग सिलेक्शन और लास्ट में क्लास कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर है इसके अंदर हमने प्रोसेस नहीं पढ़ा डायरेक्टिंग का बट बाकी हर एक चैप्टर में क्लास हमने प्रोसेस पढ़ रखा है आओ लाइन बाय लाइन क्लास कंट्रोलिंग प्रोसेस को समझते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप आज क्लास के एंड तक आप ये छह के छ पॉइंट लर्न करके मुझे दिखाओगे और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज मैं कॉमेंट रीड करने वाला हूँ जो बच्चा आज कॉमेंट में ये पांचों के पांच प्रोसेस देख के दिखाएगा क्लास मान जाऊंगा कि हाँ यार आप मतलब कुछ लेवल की तैयारी कर रहे हो रैंडमली देखते हैं कौन कौन बच्चा अपने आप बिना देखे बिना नकल करे ठीक है आप सारे प्रोसेस लिख के दिखाओ जितने मैंने तुम्हें अब तक क्लास में कराए हैं बिकॉज पार्ट वन खत्म हो जाएगा पार्ट टू बिल्कुल अलग दिशा में चलेगा अलग डायरेक्शन में चलेगा तो आपको अलग से उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे और इतना आसान नहीं होगा पार्ट वन जैसा ट्रूली बता रहा हूँ पार्ट वन इज़ वेरी ईजी तो सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम टारगेट सेट करते हैं सेटिंग अप ऑफ टारगेट या सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स सबसे पहले हम टारगेट सेट करेंगे फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे फिर हम कंपैरिजन करेंगे क्लास एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से यानी टारगेट के परफॉर्मेंस से फिर देखेंगे कोई डेविएशन है कि नहीं फिर उसको ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद वर्कर से फीडबैक लेंगे भाई अब तो ठीक हो गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है आगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे तो टारगेट अचीव होगा जो हम प्लान करेंगे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी सेम आएगी ना इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मीनिंग भी यही था स्टैंडर्ड को सेट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना दोनों के बीच में कंपैरिजन करना फिर देखना कोई डेविएशन कोई डिफरेंस तो नहीं है कुछ कम कुछ ज्यादा तो नहीं है और फिर उसको ठीक करना कैसे ठीक करेंगे वो क्लास कंपनी की मर्जी है ठीक कैसे करेंगे जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कई बार करेक्ट ठीक कैसे करना है बच्चों को नहीं समझ पाते तो ठीक कैसे करना है अगर मशीन मान लो खराब है तो मशीन रिपेयर कराएंगे मशीन की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं मशीन की नई टेक्नोलॉजी को लगाएंगे वर्कर सही से काम नहीं कर पा रहे वर्कर को ट्रेनिंग देंगे इसी को बोलते हैं ना कि ठीक इसी तरीके से करोगे और क्लास लास्ट में फीडबैक इन कंट्रोलिंग वर्कर से हम लोग फीडबैक लेंगे सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ अ टारगेट तुम्हें जो टारगेट अचीव करना है तुम वो टारगेट बना लो स्टैंडर्ड कि ठीक है भाई आज तुम्हें इस दिन में इतना काम करना है अपना टारगेट सेट कर लो जैसे आप लोग पढ़ाई करते वक्त कि ठीक है यार मैं इस हफ्ते ये चैप्टर खत्म करूंगा या आज मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा अटेनिंग कॉस्ट आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा लेकिन सुबह से शाम तक पढ़ूंगा ताकि मेरे घर वाले बोले भाई हाँ यार स्कूल नहीं गया तो इसलिए नहीं कि स्कूल में कोई टेस्ट है इसलिए कि बच्चा दबा के घर पे पढ़ रहा है उसको अच्छा स्कोर करना है अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करेगा आप स्कूल कितने दिन गए हो ये आपके रिजल्ट में लिखा हुआ नहीं आता है ठीक है स्टैंडर्ड मींस टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड दिस इज बेसिस ऑफ कंपेरिजन तो यही जो टारगेट सेट कर रहे हो ना यही कंपेरिजन का बेस बनेगा द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल लेकिन टारगेट भी वो बनाओ जो अचीव कर सकते हो बिना मतलब का टारगेट मत बनाओ हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव और आर ऑफ नो यूज स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो स्टैंडर्ड भैया वही बनाना जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेस है पता चला कंपनी के पास रिसोर्सेज कुछ नहीं है सपने बड़े बड़े देख रहे हो वो टारगेट कभी अचीव नहीं होगा डीमोटिवेशन तुम्हें मिलेगा बाद में भैया इतना लंबा टारगेट बना दिया आपने टारगेट वो बनाओ जो अचीव कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स या टारगेट फिर अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो काउंट करवाओ कितना प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो इट्स वेरी सिंपल आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द आर मेजर दैट इज हाउ मच वर्क डन बाई द एम्प्लॉय न्यूमेरिकली परफॉर्मेंस इज इजिलेजर्ड परफॉर्मेंस किससे

पीरियडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो क्लास आपको परफॉर्मेंस को हर एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते रहना चाहिए जैसे स्कूल वाले आपका हर दो दो तीन तीन महीने में पेपर लेते रहते हैं ताकि आपके परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सके और कहीं कुछ कमी होती है तो सुधार सकें तो इसीलिए क्लास परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत जरूरी है अगर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया जाएगा तो बोर्ड में भैया आप बेड़ा गर्क कर दोगे तो हर दो दो तीन तीन महीने में आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और इतिहास गवाह है कि बच्चे पढ़ते भी तभी, तभी हैं जब पेपर आता है तो साल में स्कूल वाले तीन चार पेपर ले लेते हैं ताकि कम से कम साल में तीन चार बार तो कम से कम सिलेबस पढ़ लो आप सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस तीसरा क्लास कंपैरिजन अब थर्ड पॉइंट में इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करोगे क्लास कंपैरिजन करोगे देखोगे भैया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है या कम है ठीक है आफ्टर मेजिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस इफ देर इज मैच इन द बोथ देन कंट्रोलिंग फंक्शन एंड इफ देर इज देर ओनली बट हाँ कंट्रोल फंक्शन एंड हो जाएगा बट इफ देर इज मिस मैच और डिविशन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिविशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिविशन माइनर डिविशन शुड भी इग्नोर छोटा मोटा डिविशन है चलो सौ सोचा था यूनिट uh, बनाने का नाइन्टी नाइन यूनिट बनाए नाइन्टी एट यूनिट बनाए आप छोड़ सकते हो चलो इतना चलता है लेकिन जो मेजर डिविशन है ना क्लास आप उसको सीरियसली लेना है भैया इतना बड़ा डिविशन क्यों आया सोचा था हंड्रेड बनाने का ए सी बना एक महीने में सर पचास ए सी है साठ ए सी है तो भैया यह, यहाँ पे क्लास सीरियस मुद्दा है ठीक है सेटिंग ऑफ टारगेट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करोगे और फिर क्या करोगे एनालाइजिंग डेविएशन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आप डेविएशन को एनालाइज करोगे स्टडी करोगे यार क्या कमी रह गई कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई जो अच्छे बच्चे होते हैं ना देखना वो अपनी कॉपी जब उनको मिलती है ना सच बता रहा हूँ जो क्लास में थोड़े पढ़ने वाले बच्चे होते हैं पढ़ाक उठाए बच्चे क्या करते हैं जब उनको उनकी आंसर शीट मिलेगी ना तो वो एक करके चेक करेंगे सर यहाँ नंबर क्यों काटे यहाँ आधा नंबर क्यों काटा यहाँ एक नंबर क्यों काटा और जो बेचारे ऐसी मस्ती करते हैं चलो यार ज्यादा टेंशन नहीं लेते कूल रहते रहते हैं हैं बैक बेंचर्स टाइप कॉपी देखते थे इतने नंबर जी पास है चलो सर जी बहुत बढ़िया पास है बस बहुत है कहीं एक नंबर कट गए फालतू तो मिले कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को जब तो तक एनालाइज नहीं करोगे तब तो तक नियर फ्यूचर कैसे ठीक करोगे कल को जो टेस्ट होगा उसमें आपने गलती एनालाइज की ही नहीं तो आप सेम गलती को रिपीट करोगे तो आप गलती को फाइंड आउट करो और देखो कैसे ठीक होगा ठीक है तो यहां पर ठीक करने की बात तो नहीं है यहां सिर्फ एनालाइज करने की बात है स्टडी कहां कितने नंबर कटे कहां प्रोडक्शन हमारा डाउन हुआ समझ लो कहां प्रॉब्लम है क्यों डाउन हो रहा है प्रोडक्शन हमारा उस चीज को चाहिए टारगेट क्यों अचीव नहीं किया क्या प्रॉब्लम आ गई वो हमारे कंट्रोलेबल है या नहीं है ये सब होता है एनालाइजिंग डिविशन ऑल द डिविशन नीड नॉट बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट और रेंज ऑफ डिविशन शुड बी स्टैब्लिश एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट इंटू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिविशन मस्ट भी डिवेड दो तरह का डिविशन है डिफरेंस जो होता है ना वो दो तरीके से देखो कई बार क्या होता है छोटे मोटे डिविशन को आपको इग्नोर करना है चलो इतना चलता है ठीक है कई बार आप रेंज बनाते तो अगर इस रेंज के अंदर डिवेशन है तो ठीक है इससे बाहर नहीं होना चाहिए इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिवेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं डेविएशन को एनालाइज करना मतलब स्टडी करना डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको स्टडी करना और दो तरीके से स्टडी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास सबसे पहला पॉइंट है सी सी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सिंपली ये कहता है कि आप क्रिटिकल एरिया पे ज्यादा फोकस करो क्रिटिकल एरिया को ये कहते हैं की की एरियाज तो आप जो रीजन एरिया है ना जो होल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको पहले ठीक करो जो बहुत बड़ी समस्या है ना क्लास उसको सबसे पहले ठीक करो मेरी बात समझ रहे हो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आप बाद में देख लोगे लेकिन जो सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन नुकसान पहुंचा रहा है भाई वो क्रिटिकल है उसको ठीक करो एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चार रुपए से बढ़ गई चार रुपए से बढ़ गई और जो पोस्टल एक्सपेंस है वो बढ़ गया मान लो छह रुपए से विच इज मोर सीरियस पोस्टल मतलब माल भेजने का जो खर्चा है वो छह रुपए से बढ़ गया प्रोडक्शन कॉस्ट चार रुपए से बढ़ गया ठीक है तो विच इज मोर सीरियस तो भैया आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर सीरियस आप इसको ठीक करो पहले पोस्टल एक्सपेंस इज नॉट इन योर हैंड और पोस्टल एक्सपेंस क्लास एक ही बार लगता है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा ना तो हर चीज बढ़ जाएगी कंपनी में सेल्स डाउन हो जाएगी जैसे पेट्रोल एक रुपए से बढ़ जाता है तो भी लोग हड़ताल करने आ जाते हैं पेट्रोल महंगा महंगा हो गया क्यों रुपए से क्या फर्क पड़ता है जबकि मोबाइल फोन गाड़ी बीस बीस तीस हजार रुपए से बढ़ जाते हैं एक एक लाख रुपए से बढ़ जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि क्लास पेट्रोल एक रुपए से बढ़ रहा है बट ये क्रिटिकल है दिस इज मोर सीरियस पेट्रोल एक रुपए से बढ़ जरूर रहा है पर इसकी वजह से सारा सामान महंगा हो जाएगा हर एक चीज महंगी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो की रीजन एरिया पे कंट्रोल करना इस सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है भैया वो चीज को सबसे पहले ठीक करो यानी कि इसे इग्नोर करो जो बस के हो सके करेंगे बट हाँ इसको तुरंत ठीक करो क्लास ये आपके अरेंज में है और दूसरी बात ये एक की एरिया है ये की पॉइंट है इसको आपने सबसे पहले ठीक करना है

तो आप एम बी बहुत क्लियरली समझ जाओगे MBA के अंदर एक रेंज बना दी जाती है कि भाई अगर इसके इसके अंदर है तो ठीक है इससे बाहर जाएगा तो क्लास इस डेविएशन को हम टॉप लेवल मैनेज तक लेके जाए टॉप लेवल मैनेजर्स तक लेके जाएंगे ये कहते हैं माइनर डेविएशन को इग्नोर करो तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो जो माँ बाप ऐसे होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं यहाँ नहीं लेगा यहाँ जाएगा तो मुझे फोन करेगा वीडियो कॉल करेगा यहाँ मुझे लोकेशन भेजेगा उसके पीछे पीछे जाते हैं अरे वो बच्चे से तो, तो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर बट हाँ फिर भी वो बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं थोड़ी आज़ादी छूट देनी पड़ेगी उसी तो जो टीचर चाहता है मेरी क्लास में पूरा शांत है भैया कोई कुछ भी नहीं बोलेगा पिन ड्रॉप साइलेंस उस टीचर की क्लास में ही सबसे ज़्यादा शोर होता है और ना बच्चे कुछ पढ़ पाते हैं जो टीचर प्यार से आराम से अच्छे से आपको एक भाईचारे में समझा दे चीज़ों को आपको बेहतर समझ आता है वो उसी तरीके से ये कहते हैं इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग विच आर बियॉन्ड स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बाय द हैंडल बाय द मैनेजर एंड स्मॉल और माइनर डिवेशन शुड बी इग्नोर एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है छोटे मोटी डिवेशन की आप आपने कभी पानी मंगाया है पानी की बोतल आपके घर आती है पूरा फुल नहीं आता थोड़ा सा कम आता है वो नॉर्मल लॉस है होगा हो ही होगा कंटेनर में पानी भर के आता है ना ट्रक में जब वो भी उछलते उछलते रास्ते में गिर के आता है आपने कई बार स्कूल से आते आते देखा होगा वो एबनॉर्मल लॉस है भैया वो होगा ही होगा आप उसको नहीं रोक सकते उसके लिए टाइम और वेस्ट एनर्जी मत वेस्ट करो क्लास कंपनी को फोकस करना चाहिए क्लास जो हाई डिग्री ऑफ डेविएशन है उस पर एक रेंज बना दो इस रेंज के अंदर अंदर डेविएशन है तो अच्छी बात है इससे बाहर जाता है तो सीरियस मुद्दा टॉप लेवल मैनेजर के पास लेके चलो और क्लास उसको ठीक करो नेक्स्ट है क्लास टेकिंग करेक्टिव मेजर्स अब डेविएशन आपने एनालाइज कर लिया सी सी पढ़ लिया एम पढ़ लिया एमबी अब उसके बाद क्या करेंगे हम उसको ठीक करेंगे जो भी प्रॉब्लम है मशीन खराब है तो मशीन को रिपेयर करो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे तो उनकी सैलरी बढ़ाओ उनको ट्रेनिंग दो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करो ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस देन नेक्स्ट स्टेप इन टू नेक्स्ट स्टेप एन टू नो द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड ट्राई टू रिमूव द डेविए इन फ्यूचर मैनेजर मस्ट टेक द करेक्टिव मेजर्स ओनली बाई फाइंडिंग द रूट कॉज ध्यान रखना रूट कॉज को फाइंड आउट करके डेविएशन एंड ट्राई टू रिमूव दैट क्लास कॉज परमानेंटली भैया रूट कॉज की क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली उसको क्लास फाइंड आउट करो देन क्लास उसको आपने ठीक करना है नेक्स्ट है फीडबैक इन कंट्रोलिंग ये बहुत मस्ट है क्लास आपने गलती फाइंड आउट कर ली आपने समझा दिया भाई आगे से ये गलती मत करना करेक्टिव मेजर ले लिया फिर वर्कर से फीडबैक लो कि नियर फ्यूचर रिपीट तो नहीं हो रहा ये सेम प्रॉब्लम तो आगे नहीं आ रही फीडबैक लेना ये वही है टीचर समझा देता है आपको पूछता है बेटा समझ आया आपके तो सर समझ आ गया फीडबैक इज मस्ट उसी के बाद कम्युनिकेशन एंड होता है आफ्टर मेकिंग करेक्टिव मेजर ऑफ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ रीजन फॉर डेविएशन प्लान और इन एफिशियंसी ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक एक्ट एज फॉर नेक्स्ट ईयर इसी फीडबैक के बेसिस पे हम अगले साल का टारगेट बनाते हैं तो है, तो खत्म नहीं कर रहा प्लानिंग को लेके आ रहा है, बाकी क्लास जो है वो दो टाइप का होता है पॉजिटिव और सौ प्लान सोचा था सो हुआ एक्चुअल में 110 तो डेविएशन प्लस टेन हो गया negative मतलब एक्चुअल था सौ तो डेविएशन कितना है क्लास माइनस का टेन तो प्लस का टेन और माइनस का टेन ये बात आपको ध्यान रखना है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव है नेगेटिव डेविएशन दोनों को हमें ठीक करना है अगर किसी को लगता है सर अच्छी बात है ना सौ सोचा था एक सौ दस बनाया इसका मतलब तुमने टारगेट ही गलत सेट किया अगली बार तुम टारगेट एक सौ दस का बनाना वही तो फीडबैक है फीडबैक से हम अगले साल का टारगेट बनाते हैं ये है क्लास आपके छः के छ पॉइंट सबसे पहला सेटिंग अब ऑफ टारगेट दूसरा क्या है क्लास आपका टारगेट सेट किया स्टैंडर्ड सेट किया आपने फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर दोनों कंपैरिजन फिर एनालाइज करो फिर करेक्टिव मेजर और फिर फीडबैक इन कंट्रोलिंग आई होप आप कमेंट सेशन में एक बार मुझे छठे पॉइंट छह के छह पॉइंट लिख के दिखाओ ये थे क्लास आपके प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आज का आखिरी टॉपिक क्लास क्लास सेशन का पूरे का रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ध्यान से अच्छे समझना प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में एक रिलेशनशिप है दोनों क्लास एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे तो सबसे पहले एक क्लास यहां पे कोड है उसको देख लेते हैं वो कोड क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन ठीक है दोनों क्लास सप्लीमेंट्री फंक्शन है प्लानिंग मेक द कंट्रोलिंग इफेक्टिव प्लानिंग ही है जो कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाता है एफिशिएंट बनाता है जबकि कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग सबसे पहले आपने प्लानिंग की यही प्लानिंग कंट्रोलिंग को बेहतर बनाएगा और बेहतर कंट्रोलिंग से नियर फ्यूचर जो प्लान बनाएंगे वो और बेहतर बनाएंगे मैंने एक टारगेट बनाया मैंने उसे अचीव किया और उस अचीव करने के बाद जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया कम या ज्यादा जो भी उस बेसिस पे मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूँगा तो दोनों क्लास सप्लीमेंट्री फंक्शन है ध्यान रखना दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है दोनों एक दूसरे पे दोनों से एक इंटरलिंक है और प्लानिंग कंट्रोलिंग को इफेक्टिव और एफिशियंट बनाता है प्लानिंग अगर आपने किया नहीं ना कुछ भी नहीं हो पाएगा आपने टारगेट ही नहीं बनाया कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस कम ज्यादा है क्या फ़र्क पड़ता है आपको टारगेट बनाओगे तब पता चलेगा एक्चुअल में कम है ज़्यादा है ज़्यादा है तो अगली बार प्लानिंग को अच्छे से ठीक करो अगली बार प्लानिंग और बढ़ा के बनाओ कि मैं तो गलत सोच रहा था यार मैं और अच्छे से करूंगा और अगर आपका कम है तो देखो भाई क्या कम है उसको ठीक करो अब रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास चार पॉइंट है सबसे पहला नेचर एंड कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग तो प्लानिंग का मतलब आपको पता है क्लास कि प्लानिंग एडवांस में सोचना क्या करना है कैसे करना है कब करना है इस काम को कौन करेगा और कंट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना देखना कोई डिफरेंस कोई डिविजन तो नहीं है उसको ठीक करो ताकि नियर फ्यूचर रिपीट ना हो बोथ आर इंटर डिपेंडेंट एंड इंटरलिंग प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो कंपेरिजन किससे करोगे और आपने प्लान बनाया लास्ट में कंपेरिजन ही नहीं किया तो प्लान का फायदा ही क्या हुआ समझ रहे हो बात को दोनों अच्छा दोनों फॉरवर्ड और दोनों बैकवर्ड लुकें पहले प्लानिंग की बात करते हैं प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग है ही क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर्स ठीक है बट प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है क्योंकि प्लान हम जब भी बनाते हैं ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके बनाते हैं आप जब भी प्लान बनाओगे टारगेट अगर मैं आपसे आज पूछूं कि बेटा आप कितने नंबर लाना चाहते हो आपका टारगेट क्या है तो आप आग बंद करके थोड़ी बताओगे आप देखोगे मैं आज तक कितने ला रहा था और मैं कितनी मेहनत और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ उस बेसिस पे आप क्या करोगे टारगेट बनाओगे तो जो डेवलपिंग प्रेमिस आपने पढ़ा था ना कि हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग करते हैं तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग तो है ही कि कंट्रोलिंग किसको देख के किया जाता है कंट्रोलिंग में हम प्लानिंग का जो आपने प्लान बनाया था उससे कंपेयर करेंगे है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से तो बैकवर्ड लुकिंग है ही और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास क्योंकि कंट्रोलिंग दोबारा प्लानिंग को फंक्शन में लेके आता है एक प्लान खत्म हुआ फीडबैक लिया और अगले के लिए फिर, 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 फिर प्लान बनाया फिर खत्म किया फीडबैक लिया फिर अगले के लिए प्लान बनाया ऐसे तो इंप्रूवमेंट आएगा आज सौ करोड़ कमाना चाह रहे थे सौ करोड़ कमा लिया अगले टारगेट एक करोड़ का होगा उसको अचीव करेंगे एक करोड़ का होगा अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ एक करोड़ का टारगेट कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरीके से टारगेट बनाती हैं और आगे बढ़ती चले जाती हैं एंड लास्ट इज प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव और कंट्रोलिंग इज इवालुटिव ध्यान रखना क्लास प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है प्लानिंग एक तरीके से हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है और कंट्रोलिंग क्लास चेक करता है कि हम उस रास्ते पे आए या नहीं आए इवेलुएशन करता है स्टडी करता है कि आपने एक्चुअल वो काम किया या नहीं किया राइट right? तो इसके साथ क्लास ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो गया राइट right? तो आज हमने पार्ट ए भी खत्म किया कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा खत्म किया बस युद्धा बैच में ऐसे ही क्लास हमें और आगे चार चैप्टर खत्म करने और हमारे क्लास ट्वेल्थ का स्टडीज़ का सिलेबस खत्म हो जाएगा आई होप आप लोग सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों में जो बच्चा ट्यूशन नहीं ले पा रहा है या जिन तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे अच्छे टीच नहीं मिल रहे हैं क्लास अगर आपको समझ आता है उसमें सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ ज़र सपोर्ट करो आपका लाइक आपका सपोर्ट प्यार यही मोटिवेट करता है मुझे रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करने के लिए हर चीज़ को छोड़कर बस यही है बाकी इसे याद करके आना समझ के आना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे नए पार्ट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे बट हाँ एक दो दिन का ब्रेक जरूर लो आप इसको पूरे को ख़त्म करो पुराना सारा खत्म करके आगे चलो सिर्फ आगे चलोगे पीछे नहीं देखोगे तो भैया आगे जाके सब कुछ भूल जाओगे तो पढ़ के आना समझ के आता आना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय